कैसी लगी मेरी नई गाड़ी? अपना दिल तुड़वा के फिर अड्डे तोड़ते रहे। आज 500 रुपए दोबारा कमा लिए इससे। जल्दी बताओ, टाप जाऊं यहीं से? पानी भर भर के पीना है। हाय गाइस, वेलकम बैक, दिस इज आरुष भोला और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। चलते हैं आज जिम करने। आज मैंने एक पीटी लेनी स्टार्ट कर दी है, एक लड़के को पीटी दे रहा हूँ। 500 रुपये देता चला रहा है। 500 रुपये पर वर्कआउट सेशन। जो कहते हैं भाई वर्कआउट करना आपके साथ, उनके लिए फ्री। जो बैंड चौथ बंदे हैं उनके लिए 500 रुपये, जैसे ये है। चलो अब जिम चलते हैं। भाई तुम कहोगे ये शोर क्यों सुना रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, तुम भी सुनो। ओए ओए। क्या सुरीला शोर है। तो भाई जिम में कुत्ती भीड़ हो रखी है, इसलिए मैं कैमरा नीचे रख रहा हूँ। कौन से वीडियो बनाएंगे आज? करेंगे आर्म्स वर्कआउट। तेरे आर्म्स नहीं ग्रो होते ना, आज तेरे आर्म्स ग्रो करवाऊंगा। वैसे एक तरफ मोटिवेशन है आज दूसरी दिन। तो भाई आज स्टार्ट कर रहे हैं बाइसेप से और पहली एक्सरसाइज ले रहे हैं प्रीचर। इस पे फॉर्म से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, बट फिर भी हैवी जाएंगे और पूरा फेलियर पे जाएंगे, मतलब जब तक खत्म ना हो जाए। और कैसे आइडिया तुम्हें लेना है कि क्या होता है फेलियर, उसके लिए पूरी वीडियो देखना। तो भाई जो अब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं इसको कहते हैं FST 7 सेट। इसमें 7 सेट करते हैं, रेस्ट बहुत कम लेते हैं, इससे आपका मसल शॉक हो जाता है। ये जो जेरेमी बुंदिया जो वो मैन फिजिक जीता था ना, उसका कोच जो है अपना हैनी रैम्बोर्ड, वो कराता है, तो मैं वैभव को करा रहा हूँ। आजा पालो वाले हैनी रैम्बोर्ड। बहुत मिनी रेस्ट लेना है और पोज करो, जितना ब्लड फ्लो उसमें फेंक सकते हो उतना फेंको। ओए ओए क्या ढोले आ रहे हैं। अब जैसे हम कितना रेस्ट ले रहे थे, मेरा 7वां सेट था ये। जैसे मैंने सेट खत्म करा, वैभव सेट चालू कर रहा था, दिखा। तो बस इतना सा रेस्ट लेना है और कोई भी आइसोलेशन मूवमेंट पकड़ लेना। ये जो आपको आपका हेड वीक लगता है, वैभव को उसका आउटर लगता है, तो मैं ये करवा रहा था। और जोन सा भी, चेस्ट बैक सब में, किसी में भी ये ट्राई करके देखना। मैं आपको बस रैप और सेट बता सकता हूँ, बट एफर्ट 100% डालने वो आपके ऊपर है। 100% एफर्ट डाला करो, तभी ऐसी फिजिक मिलती है। ओए ओए चलो अब तुम्हें और वर्कआउट नहीं दिखा रहा, आप घर जाके मिलते हैं, ठीक है? वीडियो बनाने आते हैं यहाँ पे, वर्कआउट कर। मार क्यों रहा भाई, मार रहा किसी और को है। मारने किसी और की है। चले क्लब। अभी हमारी ट्रिप स्पॉन्सर कर रहा है केरला की। टिकट भाई देख, टिकट ले दियो, तेरे बाबा वैसे ही उसमें है। तू टिकट ले दियो, एयरबीएनबी तो लो ही, तुम अपना उसमें रह लेंगे, खाओगे पियोगे, तुम डाइट कर रहे होगे साथ खा लेंगे। फ्लाइट की टिकट ले दियो बस, तुम्हें सपोर्ट करने आएंगे हम। मशीन भाई इतना तो कर देगा। बाकी एक बात बताऊं, ऑफ कैमरा बंद कर इसको जरा। गाइस मिलता हूँ, प्राइवेट बात किया भाई। वैसे मैं 3 से मार लेता हूँ डंबल गर्ल्स, बट तब पहली एक्सरसाइज होती है, अब तीसरी है। 8-10 सेट कर लिए, देखते आते नहीं आता। तीसरी चौथी हो चुकी, फोर्थ एक्सरसाइज। चलो लेट्स सी, मोमेंटम आएगा, क्रिएटर्स को मिल जाएगा बोलने के लिए कुछ। तुम्हारा भी सोचता हूँ मैं कितना अच्छा हूँ। चलो भाई घर चलो फटाफट, अब बहुत शूट कर लिया कंटेंट। एक मिनट रुकना गाइस, जरा पानी निकालो। क्या कर रहा है? आज दिखा दो अपना साइज। अरे भाई साहब का यार। तू ऐसा गंदा आदमी है। इधर से अपना स्कैनर लगा, ये मत आगे। जो फीस आएगी इधर फटाफट कर दे, बता कर दे क्या कहते हो भाई, कर दे जल्दी कमेंट करके बताओ। तो भाई वर्कआउट भी हो गया, कंटेंट भी शूट हो गया थोड़ा बहुत। अब हम जा रहे हैं लैला को उठाने, फिर उसको जिम छोड़ेंगे, क्योंकि उसके पास कुछ बाइक वाइक नहीं है, फिर अपने आप आएगा वापस रात को। भाई जो बंदा डिप्रेशन में होता है, जो 10 जगह बातें सुन के आता है, वो दोस्तों में बहुत बोलता है।
लैला तभी बहुत बोल रहा है। लैला इधर तो आ, लैला क्या हुआ आज? क्या रे तू ऑफिस बैठे लायक नहीं बना का बैठ के आते हो फिर ऑफिस से भगा दिया तेरे को? भगाया नहीं है, अपनी मर्जी से आया हूँ। भाई हुआ क्या? मैनेजर लंदन में है, मैंने कहा जब तक मैनेजर नहीं आएगा इंडिया तब तक ऑफिस में आऊंगा मैं। भाई हुआ क्या? लैला भाई ऑफिस गया था बारिश में भीगता हुआ, उन्होंने इसकी शक्ल देख के बोला तेरे से अच्छे तो भिखारिया भाग यहाँ से, ये घर आ गया। चलो कोई नहीं यार, वैसे गलत है ये, ऑफिस वालों अगर आप देख रहे हो ऐसा मत करा करो यार, इंसान की इज्जत करो चाहे वो भिखारी है जो भी है। भाई सही नहीं कह रहा, इंसान की इज्जत करो चाहे भिखारी लग रहा हो जो मर्जी लग रहा हो। ये तो बात है यार। आ गया अपना पोस्ट वर्कआउट मील लेने और लैला इतना खुश है, पर दोपहर को कितनी डिप्रेशन में भाई, क्योंकि आज मैं इतनी खुश हूँ क्योंकि आज मैंने अपनी भावनाएं निकाल दी ऑफिस के अंदर ही है, चिल्ला गए। चिल्लाया? सर बोला उसके बाद उस लाइन के बाद सर नहीं बोला, मैंने कहा मैं नहीं आ रहा, जो करना करना, मैंने तुमसे बात कराना, मैं तुमसे नहीं बात करूंगा। कौन डाल जब नहीं। अबे अब लैला के चैनल पे तुम इसकी स्टोरी देख लेना कि ये जॉब क्यों कर रहा था और ये वहाँ पे कैसे बुली हुआ, ठीक है? इसके चैनल पे वीडियो आएगी, लैला बता दे यार, देख लेंगे जो फालतू बोलेगा। ठीक है ठीक है। तेरी ब्रेकअप स्टोरी तो मेरी तरह आ नहीं सकती क्योंकि तेरे से कोई सेट ही नहीं होगी। वो भी होगी, ये साला गंदा आदमी है। सेट बहुत हुई है, अब कितनी ऐसी ब्रेकअप स्टोरी बनाने लग गया, 500,000 आएंगी मेरे व्यूज। तो भाई हो थोड़ा सा लेट हो गया हूँ खाने पीने और उस चक्कर में कंटेंट बनाने के, तो घर से फ़ोन आ रहे हैं, मेरे घर वाले थोड़ी टेंशन ज़्यादा लेती है मेरी हो गई कि लड़का कहाँ है, नींद उन्हें तभी आती है जब मैं घर पहुँच जाऊँ, तो फटाफट घर जाता हूँ और तुमसे सुबह मिलता हूँ, लव यू। ओके गाइस वेलकम बैक, स्वागत है अगले दिन में। और भाई दिन शुरुआत करने से पहले आपकी एक क्वेरी ख़त्म कर देता हूँ, काफ़ी बंदे पूछते हैं भाई कोई बजट फ्रेंडली प्रोटीन बता दो, जो अपने भाई है जो स्टूडेंट वगैरह है या जिनकी थोड़ी जेब टाइट रहती है, घर वाले सपोर्ट नहीं करते, तो उनके लिए एक बहुत बढ़िया प्रोटीन लेके आया हूँ, एज इट इज़ का रो वे प्रोटीन। इसमें क्या है भाई, इसमें आपको 33 सर्विंग्स मिलेगी और पर सर्विंग में आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। तो अगर आप अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहे, आप ये खरीद सकते हो और यहाँ पे आपको मेरा कूपन कोड दिख रहा होगा, ये लगा के आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। अब ये रो प्रोटीन है क्या, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई फ्लेवर नहीं है, तो थोड़ा टेस्ट से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, मतलब बुरा टेस्ट भी नहीं है बट टेस्ट भी नहीं है, ठीक है, टेस्टलेस है ये। और उसके लिए जुगाड़ है मेरे पास, आप कॉफ़ी वगैरह कुछ भी डाल के उसको टेस्ट वाला बना सकते हो, कोको पाउडर डाल दो, कुछ भी डाल दो, थोड़ा टेस्टी हो जाएगा। या जो अपनी गेनिंग स्मूथी होती है जो सब पीते हैं पीनट बटर वगैरह वाली, उसमें डाल दो, आपको पता भी नहीं लगेगा और आपका प्रोटीन कंटेंट ऊपर हो जाएगा। इसमें क्वालिटी अश्योर्ड है ये और प्रीमियम ग्रेड है, मतलब GMP सर्टिफाइड भी है, तो जितना प्रोटीन लिखा है 24 ग्राम तो आपको वही मिल रहा है, कोई टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है, आपके बजट में बैठ जाएगा, आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा। और काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है कि भाई रो प्रोटीन है तो डाइजेस्ट हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इसको मैं पिछले हफ्ता तो हो ही गया, हफ्ते से आया हुआ है ना मम्मी, हफ्ते से खा रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, हफ्ता हो गया पूरा। और मेरे को अगर कोई दिक्कत लगी होती मैं आपको बता देता, कोई भी डाइजेशन की भी दिक्कत नहीं है, तो आप बेझिझक होकर खरीद सकते हो। अब आपको घुमाते अपने साथ जो आज का पूरा दिन है, तो भाई एक स्कूप पहले मैं भी पी लेता हूँ, ये देखो जैसे वेनिला फ्लेवर होता है ना वैसे हो गई। मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें डालता हूँ हल्की सी कॉफी, थोड़ा रो है तो थोड़ा ज्यादा मिक्स करना पड़ता है इसको, बस 24 ग्राम प्रोटीन तैयार। अब अगर आपको खरीदना है तो नीचे लिंक होगा, और अब आपको अपना पूरा दिन घुमाते अपने साथ, अभी मैं जा रहा हूँ शॉपिंग करने, जल्दी नीचे कमेंट करके बताओ क्या शॉपिंग कर रहा हूँ, गैस करो और तुम्हें लेके चलता हूँ अपने साथ, चलो। तो भाई जो आज शॉपिंग करनी है वो लेनी है गाड़ी, इसको देखो कैसे तैयार होके आ गया। मेरे को इसने बोलता कुत्ता को मारा था कि प्यार व्यार होके आना ना दोगे, एक मैंने कोट पढ़ा था कि लोग तैयार व्यार होके आते हैं काम करते हैं उस बंदे के लिए जो पजामे में घूमता है, वो मेरे दिल पे लग गया, तब से मैं पजामे में ही घूमता हूँ। चलो तो भाई थोड़ी बारिश हो रही है, स्कूटी मेरे से चलाई नहीं जाती, मैंने कहा एक छोटी गाड़ी ले लूँ, पैसा बहुत आ रहा है, एक छोटी गाड़ी लेके रख लूँ जिसपे CNG लगवा के डोलते रहेंगे, उसके काले शीशे करवा के फुल गलत तरीके से। पटेल नगर के लिए गाड़ी ली है ये, बाहर नहीं घुमानी। तो चलो गाड़ी एक हाथ में आई हुई थी, दिखाता हूँ तुम्हें भी, छोटी गाड़ी वैसे तो अपनी खड़ी है, वो देखो कवर चढ़ा हुआ है बेबी पे, वो पड़ी है बट एक और लेनी है। चलो स्ट्रगल, अब क्या बच रहा हूँ डूबने से, डूब तो मैं कब का गया था उसके प्यार में। साला दलदल था, दलदल। बाकी भाई इधर खड़ी अपनी गाड़ी, कोई नई गाड़ी नहीं ली, सेकंड हैंड गाड़ी ली है,
ये दो तीन रीजन से लिए, एक तो घर पे कोई गाड़ी नहीं है यार छोटी मोटी घुमाने के लिए, बार बार वो होंडा सिटी निकालनी पड़ती है ना, तो उस पर स्क्रैच वगैरह पड़ रही है और पटेल नगर वगैरह घुसा नहीं सकते उसको। बाकी ये जो गाड़ी है छोटी गाड़ी ले ली, सीएनजी लगी हुई है, फुल डोलेंगे इसमें, घूमेंगे करेंगे। बाकी इस गाड़ी से बस एक ही कनेक्शन है कि ये तुम्हारा भाई अपने पैसों से ले रहा है। पहले वाली सारी चीज़ें डैडी के पैसों की थी, ये मैंने खुद अपने पैसों से खरीदी है। ये मत पूछना कितने की है, ज़्यादा की नहीं है, कम की है, बट अपने पैसों से है इसलिए थोड़ी खुशी हो रही है ये लेके। बाकी कॉन्ग्रेट्स बोलो मेरे को, मैंने एक कोट कोट पढ़ा था कि तुम्हारे बाप की मर्सिडीज इतनी मैटर नहीं करती जितने तुम्हारे खुद के पैसों की एक सेंट्रो करती है। आईटेन है साले हमारी, हमारी आईटेन है तो उससे भी ऊपर हो गई। चाबी ले ली है गेट पास से, चलो कैसी लगी मेरी नई गाड़ी। चलो भाई थोड़ा काम वाम करा ले इस पे हल्का फुल्का, इसके शीशे सारे काले, पीछे भोलेनाथ का नाम बस फिर। क्यों भाई गाड़ी लिया भोलेनाथ का नाम लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, बस। तो भाई अभी हम गाड़ी वाड़ी मतलब ऐसी वीडियो वगैरह बना रहे थे, तो एक ड्राइवर भाई था वो आ गया, उससे मैंने कम से कम 15-20 मिनट बातें करी है, क्योंकि भाई ये बंदे बोर हो जाते हैं यार, इनका काम क्या गाड़ी चलाते हैं फिर बाहर खड़े खड़े हो जाते हैं, जैसे वेट वगैरह कर रहे हैं, कभी तुम 10 मिनट भी खड़े हो गए कितने बोर हो जाते हो। तो अगर तुम मेरे को फॉलो करते हो तो मेरी ये गेवली टिप आजमाना, जैसे ये जो भाई हो गए जो काम वाम कर रहे हैं थोड़ा बोर हो रहे होते हैं, इनसे टाइम पास की बातें कर लिया करो, इनकी सुन लिया करो, क्योंकि कुछ आजकल बड़े भैनचोत बंदे हैं वो ना इनसे तमीज़ से बात नहीं करते, उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, एरोगेंट होते हैं, तो तुम अगर प्यार से बात कर लोगे अगलों का दिन बन जाता है। अब तुम ये देखो जैसे तुम्हें कोई बड़ा आदमी मिल गया, वो तुमसे थोड़ी सी प्यार से बात कर लेगा, तुम कितनी देर वो अपनी बात याद रखते हो कि भाई उसने बड़े आराम से बात करी थी, ये करी थी, तुम्हें भी अच्छा लगता है, तो उनके लिए हो सकता है तुम थोड़े बड़े हो उनसे, तो तमीज़ से बात कर लिया करो। वैसे कोई किसी से बड़ा छोटा नहीं होता, मैटर ऑफ टाइम ओनली। जब होंडा सिटी चलाता हूँ थोड़ा डर रहता है, यहाँ नहीं डालनी वहाँ नहीं डालनी, अब कोई मेरे से बहस करे घुसा रहा है, चल तेरी भैंस की ला तू आगे, अपनी घुसेगी पहले। भाई ये वाले कवर सही नहीं लग रहे, ब्लैक करवा दूँ इसको, क्या कहता है कमेंट में लिखो तब पता चलेगा। तो ठीक है भाई अब मैं घर आ गया हूँ और अब बनाते अपने एक ऑमलेट बढ़िया सा, क्योंकि आज है लेग डे और पिछली बार मैंने 130 से 3 रेप मारे थे स्क्वाट्स में, आज ट्राई करूँगा उससे थोड़ा सा ज़्यादा मारूँ, या रेप ज़्यादा कर दूँ या वेट ज़्यादा कर दूँ जो मेरा मेन होगा, और इसलिए एक ही मील खा रखी है, अच्छे से एक मील लेता हूँ, पूरा ऑमलेट बनाता हूँ अपना तसल्ली से खा के, फिर उसके 1-1.5 घंटे बाद जिम चलेंगे और आपको अपना लेग वर्कआउट दिखाऊंगा। जिम जाएंगे आज पंजाबी बाग में 7 Pillars या किसी और एनी टाइम में, क्योंकि जो अपना पटेल नगर वाला एनी टाइम है उधर लेग एक्सटेंशन और लेग कल की मशीन बहुत बेकार लगती है, मेरे को फील ही नहीं आती बिल्कुल, इसलिए किसी और जिम में जावे मशीन अच्छी हो। और फटाफट ना नीचे मेरे को मोटिवेशन दे दो दबा के कि मैं तगड़े से वर्कआउट कर पाऊँ, ठीक है, नीचे कमेंट्स में मोटिवेशन भर दो, ये अभी तो नहीं, अभी मैं देख नहीं पाऊंगा, तो अगले वर्कआउट के लिए मोटिवेशन भर दो कि जब भी मैं जाऊँ वो पढ़ लूँ बस एक बार बस। अब जरा ऑमलेट बनाते हैं, हम जिम वाले हैं जनाब, अपना दिल तुड़वा के फिर अंडे तोड़ते रहते हैं। चलो भाई ऑमलेट बना लूँ एक बार, साथ साथ होगा नहीं, जल्दी जल्दी बनाना, ठीक है, ऑमलेट बना के तुम्हें दिखाता हूँ कैसा बना है। तो भाई ये है मेरी प्री वर्कआउट मील, 4 Horlicks, 2 Brown Bread, साथ में फ्रूट्स, और पानी भर भर के पीना है, जो मर्जी हो जाए, फैट लॉस मसल गेन, जिम जाते हो नहीं जाते, पानी भर भर के पियो, ठीक है। तो अब ये खा के फिर आपसे मिलता हूँ, और कोई एक बढ़िया सा इसमें जल्दी नीचे कमेंट करके कोई वीडियो बताओ बढ़िया सी जो देख के टाइम पास हो जाए, आईपैड में लगाता हूँ और वो देखता रहूँगा। अब खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी नीचे कमेंट करके वीडियो बता दो, ठीक है। कौन सी देखूँ, एक तो आरुष बोला व्लॉग्स के अलावा कुछ है ही नहीं यूट्यूब पे बढ़िया जो देख पाई। तो भाई अब आ गए हम जिम, और आज 500 रुपये दोबारा कमा लिए इससे, आज इसको लेग्स करवाने हैं लेग्स। बाकी एक बात बता, तू मेरे पास आया क्या देख के लेग्स करने साढ़े। चलो अब जिम चलते हैं, जिम में वर्कआउट दिखाएंगे तुम्हें, आज मारेंगे 135 से रेप, पिछली बार 130 मारा था ना, आज 135, प्रोग्रेसिव ओवरलोड, बी साइंटिफिक, ईट क्लीन, डू गुड वर्कआउट, माई न्यू कार, सेल्फ फंड। चलो भाई देखो पीछे स्विमिंग पूल है वो जो जिसके हमने ब्लॉग बनाया है, जल्दी बताओ टाप जाऊँ यहीं से, ये देखो टाप सकता हूँ, लैला वो टापे मंडे को बंद होता है, ये मंडे को टापेंगे, डन। तो भाई पहला वार्म अप सेट ले रहा हूँ, यही बताएगा कि मेरा 135 जाना बनता है नहीं बनता, अगर ये काफ़ी ईजी आ गया तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, आप देखो बताओ कैसा है, 120 है ये, है ना 120।
देख लिया कैसा है नीचे कमेंट करके बताओ, मेरे को सही लगा बट हल्की बहुत हेल्प आई थी लास्ट में, मतलब दो पूरे सेट आ गए थे बाकी दो में हल्की हल्की हेल्प थी, ज़्यादा थी कम थी? बहुत कम थी। तो अब मैं ले रहा हूँ 10 रैप और ये तुम कहोगे कि भाई तू तो साइज़ बढ़ा रहा है तो ये 3-3 रैप क्यों मार रहा है, बस एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा हैवी वेट उठाने की आदत हो रही है क्योंकि तुम्हें पता है लेग्स वीक है, और अब मारूंगा 120 से 10 रैप। चलो पहले शुरू करके देखता हूँ कितने आए, उसके बाद वैभव हेल्प देगा। भाई ये देखो डेड पड़ी हुई है मशीन, बच गया आज। इतना फेलियर पुश कर रहा था पूरा नीचे ही आ गया, फिर अटक गया, सेफ्टी वाली थी तभी पुश कर रहा था, टेंशन मत लेना। देसी मशीन होती फिर तो काम हो गया था, वो तो मैट्रिक्स भाई का शुगर है। चलो अब एक्सटेंशन में मारते हैं डोरियन नीट्स वाला सेट जो सुबह वीडियो देखी थी, फुल फेलियर। तो भाई अब इसमें पूरा फेलियर जाएंगे, ड्रॉप भी करेंगे और मतलब चीट रैप भी मारेंगे, ड्रॉप सेट भी करेंगे, फेलियर भी जाएंगे, थोड़ा बहुत हेल्प भी लूंगा उससे। देखो तो भाई वर्कआउट हो गया बहुत जबरदस्त, मजा आया एक भाई है फटनी तेरी कांड डेड। तो और अभी वर्कआउट के बीच बीच में मेरे को फोन आया दोस्त का कि भाई ग्राउंड बुक करा हुआ है क्रिकेट खेलने चलते हैं, और बहुत टाइम से हमारा मन भी कर रहा था, तो एट ए टाइम रात को 11 बजे जाना है, अभी 10 बज रहे हैं, जल्दी से घर जाता हूँ, घर पे बनाता हूँ और ये वाला व्लॉग यहीं पे करते हैं बंद। आपको अगले व्लॉग में पूरा क्रिकेट बकचोदी दिखने वाली है, तो फटाफट तैयार हो जाओ, क्या पता आ चुका हो अगर, और नहीं आया तो बेल आइकन दबा दो। अब मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थोड़ा पापी मैं गाली देता काफी, पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी ना चाटी।